जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में काफी कुछ मैंने कवर कराने की कोशिश की थी। मान के चलिए आधा पेपर आपके डायरेक्ट यहीं से आता है, तो कंप्यूटर सिस्टम अगर ढंग से समझ में आ गया आपके तो काफी कुछ होने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। लेकिन पहले मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, फिर बीच में पूछ लेना। चलिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे क्या नया चैप्टर है अपना, पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे सीपीयू। सीपीयू के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं तो सीपीयू को अपन पूरा देखेंगे, और सीपीयू के साथ साथ अपन सीपीयू के बारे में जितनी भी चर्चा होगी उसको कंप्लीट करेंगे। आज में बच्चों अपन सीपीयू को अच्छी तरीके से खत्म करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या बताई, रैम बता दी, रोम बता दिया मैंने, और बच्चों मेमोरी के अंदर किस तरीके की वर्किंग होती है वो मैंने समझाने की कोशिश की। सीरियल वाइज मैं चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं छोड़ना। फर्स्ट वीडियो से लगा के थर्ड वीडियो तक कंटिन्यू आना है, सीरियल वाइज आना है। अगर तुम थर्ड पहले देखोगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। पहले आपको फर्स्ट देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड देखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, सिस्टम असिस्टेंट में डीबीएमएस नहीं है क्या? नहीं है, सिस्टम असिस्टेंट में डीबीएमएस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आपके सिलेबस में है वो आपके अकाउंट में आ चुका है। बच्चों, जो आपके सिलेबस में है वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड होकर आ चुका है, केवल लिनक्स के अलावा। क्लियर? पूरा सिलेबस फिल्टर करके डाला जाता है, कई बार चेक करके फिर डाला जाता है। अगर कोई सिलेबस मान लीजिए गलती से अपडेट हो जाता है तो उसको उठा लिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बातें नहीं करेंगे अपन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सीपीयू है, और सीपीयू का पूरा पोस्टमार्टम अपन देखते हैं। बच्चों याद रखिए, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बच्चों ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर बच्चों यहाँ पर सीयू होता है, यहाँ पर एएलयू होता है, और यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ रजिस्टर होता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, सीयू एएलयू और रजिस्टर ये सीपीयू के पार्ट है। कई बार कोई पूछ लेता है सीपीयू के कितने पार्ट हैं, तो सीपीयू के तीन पार्ट है बच्चों, सीयू एएलयू और रजिस्टर। आजकल के जो सीपीयू आ रहे हैं उसमें कैश भी आ रही है, लेकिन सभी सीपीयू में कैश नहीं आती है। आजकल यानी मॉडर्न, अगर बात करूं आजकल, आजकल मतलब मॉडर्न, मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी भी आती है, के अंदर कैश मेमोरी आती है, कैश मेमोरी आती है। बच्चों क्लियर? ये याद रखना बच्चों, मेमोरी आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कौन सी कैश मेमोरी आती है? तो याद रखिए, कैश मेमोरी तीन होती है बच्चों। क्लियर? याद रखना, कैश मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो कैश मेमोरी बच्चों कितनी होती है? तीन। जो आपकी कैश मेमोरी है वो कितने तरीके की होती है? तो कैश मेमोरी आपकी तीन होती है बच्चों, एक तो सीपीयू के अंदर वाली, सीपीयू के अंदर, और एक होता है जो सीपीयू के बाहर है। बच्चों अगर मैं बात करूं सीपीयू के बाहर, सीपीयू के बाहर कौन सी कैश होती है? तो सीपीयू के बाहर बच्चों L3 कैश होती है, लेकिन L1 और L2 कैश किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर। कई बार ये पूछ लिया जाता है सीपीयू के कौन कौन से पार्ट है, तो सीपीयू के पार्ट कौन कौन से है ये क्वेश्चन आ जाता है। सीपीयू के पार्ट बताइए, सीपीयू के पार्ट, सीपीयू के पार्ट में बच्चों रजिस्टर भी सही है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, सीपीयू के अंदर सीयू होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, और सीपीयू के अंदर कैश भी होती है, लेकिन सभी कैश सीपीयू के अंदर नहीं होती, कुछ सीपीयू से बाहर भी होती है। अच्छा बच्चों, कौन कौन सी कैश सीपीयू के अंदर होती है? तो L1 और L2 कैश सीपीयू के अंदर ही होती है। मेरे हिसाब से एक चीज तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए, सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सीपीयू बोल रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बोल रहा, ये सीपीयू बोल रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन, सीयू एएलयू और रजिस्टर। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में बच्चों और चीज आने लग गई, ये क्या है? केस। याद रखिए, बुक में तीन ही पार्ट इसलिए देते हैं क्यों, क्योंकि याद रखिए, बुक में तीन पार्ट इसलिए देते हैं क्योंकि बुक अपडेट हुई ही नहीं है। बच्चों याद रखिए, अब जो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं उन सब में केस मेमोरी आ रही है बच्चों। क्लियर? तो ये याद रखना, सीपीयू के पार्ट में रजिस्टर बच्चों, सीयू एएलयू और केस, ये तीनों आते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बिल्कुल ये आपका सीपीयू है, और बच्चों यहाँ पर आइए ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है बच्चों। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन आता है, तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है बच्चों। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, सीपीयू अलग है। प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन आएगा? तो प्रोसेसिंग यूनिट में बच्चों रैम आएगी, ये प्रोसेसिंग यूनिट में आती है, रोम आएगी, ये प्रोसेसिंग यूनिट में आती है, सीपीयू आएगा, ये प्रोसेसिंग यूनिट में आती है। तो बच्चों एक बार बताइए, ये प्रोसेसिंग यूनिट में रैम कौन कौन सी आती है? बच्चों आपको पता होना चाहिए, रैम आ गई, रोम आ गई, सीपीयू आ गया। अब सीपीयू के भी तीन पार्ट, चार पार्ट है बच्चों, सीयू है,
बच्चों ALU है, बच्चों रजिस्टर है, रजिस्टर है, रजिस्टर है, और बच्चों आपका क्या है, केस है। तो ये पॉइंट याद रखिए। वो पूछे प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन आता है, तो बच्चों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट ये है, बाकी तो और सब पेरिफेरल है। बच्चों याद रखना ये इनपुट है, ये इनपुट पेरिफेरल में आता है, ये आउटपुट है, ये पेरिफेरल में आता है। अगर कोई ये पूछे ये किस में आता है, तो पेरिफेरल है बच्चों, पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब कंप्यूटर के बाहर की चीजें, बच्चों कंप्यूटर के बाहर की चीजें, ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है बच्चों, क्लियर। याद रखना पेरिफेरल के अलावा बच्चों याद रखिए, ये जो आपका प्राइमरी मेमोरी है और CPU है, ये दोनों मिला के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चों ये पार्ट है, ये मेमोरी है, ये कौन सी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, ये पेरिफेरल नहीं कहलाती है, इसको अपन ऑक्सिलरी कहते हैं। ऑक्सिलरी बच्चों ये सभी ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी में तीन चीज आती है। तो ये पूछे कंप्यूटर के ऑक्सिलरी पार्ट कौन से हैं, तो ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऑक्सिलरी वर्सेज मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बच्चों याद रखना मेन पार्ट में आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स आती है, जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब किस में आती है, मेन पार्ट में आती है। जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब मेन पार्ट में आती है। ऑक्सिलरी पार्ट में बच्चों आपके इनपुट आते हैं, ऑक्सिलरी पार्ट में बच्चों आपके आउटपुट आते हैं, ऑक्सिलरी पार्ट में आपके बच्चों आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आती है, और बच्चों टर्शियरी स्टोरेज आती है। याद रखिए जितने भी स्टोरेज है देखा जाए तो इन सबको अपन स्टोरेज कहते हैं, जितने भी स्टोरेज है वो ऑक्सिलरी पार्ट के अंदर आते हैं। ये पॉइंट याद रखिए बच्चों, ये पॉइंट याद रखो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शियरी स्टोरेज, ये सब ऑक्सिलरी पार्ट है बच्चों, क्लियर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, यानी हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी स्टोरेज में अपन जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, क्या हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी में आती है, क्या क्या बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर चल सकता है क्या? तो चल तो सकता है, लेकिन आपको फिर रैम रोम के अंदर ही आपका पूरा काम निपटाना पड़ेगा। ऐसे कंप्यूटर जिनमें सेकेंडरी हार्ड डिस्क नहीं होती उनको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं बच्चों, वो अपन चर्चा करेंगे बच्चों, क्लियर। तो इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शियरी स्टोरेज, ये ऑक्सिलरी के अंदर होते हैं। तो फिर पेरिफेरल में क्या आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है सर पेरिफेरल के अंदर क्या आते हैं, पेरिफेरल में क्या आते हैं? तो पेरिफेरल में बच्चों आपके इनपुट आते हैं, और क्या आते हैं, तो आपके आउटपुट आते हैं। मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये सब आते हैं, CPU के अंदर ये पहले वाला आता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। CPU के अंदर ये सारी चीजें आते हैं, CPU के पार्ट ये है, प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट, प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं, CPU अलग है। हाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो ये है, प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो पूरा है बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों ऑक्सिलरी के अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज आएगा, पेरिफेरल में केवल इनपुट आउटपुट आएगा। पेरिफेरल मेमोरी नहीं होती है, पेरिफेरल केवल इनपुट आउटपुट होता है। मेरा ये हाथ है ये पेरिफेरल होता है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। केस मेमोरी मेड फ्रॉम SRAM, अरे वेरी गुड। आपका जो नॉलेज है अगर आपको कोई चीज आती है तो उसको लिखा करो, लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपकी गलतियों को सुधार करूंगा तो और अच्छा बनोगे बच्चों। दो चीज होती है, एक तो किताबें पढ़ना, एक होता है किसी का भाषण सुनना, और एक होता है क्लियरिटी से पढ़ना। तो ये कोचिंग इस तरीके की है, आपको क्लियरिटी से पढ़ाएगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज आती है तो आप टाइप करते रहिए कि सर मेरे को ये पता है क्या ये सही है या गलत है, तो फिर मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा। इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, वेरी गुड। इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शियरी स्टोरेज, ये ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में रैम आएगी, रोम आएगी, CPU आएगा, और CPU के चारों पार्ट भी आ जाएंगे, क्लियर। सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप 3 दिन दे फंडामेंटल की 40 वीडियो पूरी करने के लिए? नहीं बच्चों पॉसिबल, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट की डेट कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। हाई कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है। आज से 1 महीने बाद आपको कह दे कि एग्जाम है, इसलिए मेरे को तो मेरा ड्यूटी पूरी करनी है, मेरे को तो अपने पेपर पूरे कराने। टर्शियरी में फ्लैश मेमोरी आती है, वेरी गुड, बिल्कुल आती है। टर्शियरी में फ्लैश मेमोरी आती है, लेकिन बच्चों याद रखिए पेन ड्राइव आती है। क्यों? क्योंकि उसको अपन सेकेंडरी स्टोरेज नहीं बना सकते, उसको अपन एज ए हार्ड डिस्क की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन SSD को बच्चों अपन सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप ऐसे मत बोलो कि टर्शियरी में फ्लैश मेमोरी आती है। बच्चों CD DVD ये सब टर्शियरी में ही आती है। बच्चों जो सेकेंडरी स्टोरेज में केवल उतना बोलो जो रैम को डायरेक्टली डेटा देता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष लवानिया, आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, टर्शियरी स्टोरेज बताइए। पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, इंटरनेट है, ये सब टर्शियरी स्टोरेज में होता है। बच्चों CD ड्राइव में CD डाली, वहां से CD का डेटा हार्ड डिस्क में जाएगा,
सेकेंडरी में जाएगा, वहां से रैम में जाएगा, वहां से रजिस्टर में जाएगा। तो टर्सरी स्टोरेज वो है जो पोर्टेबल है, बच्चों कंप्यूटर के बाहर से जोड़े जाते हैं, फिर उनका डेटा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाला जाता है। तो ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे टर्सरी होते हैं। क्या ये क्लियर है? सर इंटरनेट टर्सरी में ही आता है, बिल्कुल इंटरनेट टर्सरी में ही आता है, क्योंकि इंटरनेट का डेटा आपके हार्ड डिस्क से होते हुए प्राइमरी मेमोरी में पहुंचता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है अपना सीपीयू, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। बच्चों ये सीपीयू है, ये सीपीयू किससे डेटा लेता है? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीपीयू डेटा किससे लेता है, तो प्राइमरी मेमोरी से लेता है, याद रखना बच्चों। लेकिन सीपीयू उसको डिकोड करके डालता किसमें? तो उसको डालता रजिस्टर में। तो बच्चों सीपीयू यहाँ से डेटा लेता है प्राइमरी मेमोरी से, और यहाँ पर वो डिकोड करके डेटा को यहाँ पर डाल देता है, कहाँ पर? रजिस्टर। अब बच्चों जब प्रोसेसिंग होगी तो रजिस्टर से डेटा उठा के प्रोसेसिंग करवा देगा। लेकिन प्राइमरी कहां से लेती है? तो कल भी मैंने बताया था ये सेकेंडरी स्टोरेज से लेती है। और सेकेंडरी स्टोरेज कहां से लेता है? तो ये बच्चों आउटर वर्ड से लेता है। आउटर वर्ड मतलब जो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, आउटर वर्ड के अंदर आपका टर्सरी आ गया, ये टर्सरी स्टोरेज से डेटा लेता है। बच्चों ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। बच्चों क्लियर? हमेशा स्टोरेज होगा, यहाँ जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जो कल मैंने बता दिया था। यहाँ जो डेटा स्टोर होता है होता तो बाइनरी ही है, लेकिन ये बच्चों जो स्टोरेज होगा ये एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों मैं जो आपको चीज समझा रहा हूँ उस चीज को आपको समझना है। बच्चों सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर में डेटा ढूंढता है, अगर नहीं मिलता है तो प्राइमरी से मांगता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी से मांगती है। अब बच्चों याद रखिए सेकेंडरी में डेटा आता कहां से है? मांगता किसी से नहीं है सेकेंडरी, इसमें वहां से डाले जाते हैं। पेन ड्राइव लाया और आपने डाल दिया तो सेकेंडरी में डाल दिया। बच्चों क्लियर? समझो, विचार करो, मतलब पाथ यही है कंप्यूटर के अंदर वर्किंग होने का। टाइम तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों होता क्या है, अपन कैश मेमोरी की चर्चा करते हैं। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? तो बच्चों आप सबको पता है ये आपका रजिस्टर है। बच्चों ये सप्लाई लेता है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। बच्चों ये सप्लाई लेता है किससे? सेकेंडरी स्टोरेज से। बच्चों ये कहां से डेटा लेता है? तो ये डेटा लेता है टर्सरी स्टोरेज से। बच्चों इनकी स्पीड उधर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। बच्चों यहां पर आइए, इन दोनों के बीच में स्पीड मिसमैच बहुत है। किसके बीच में? बच्चों रजिस्टर और रैम के बीच में। रजिस्टर और रैम, रोम का तो कोई रोल ही नहीं है, रोम तो फुल भरी होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। रोम केवल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए लगाई गई है। बच्चों यहाँ रजिस्टर होता है, ये लीजिए मैंने यहाँ रजिस्टर लिख दिया। ये रजिस्टर और रैम के बीच, रैम बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है रजिस्टर से, इनके बीच में स्पीड का मिसमैच है। बच्चों ये स्पीड बहुत फास्ट है, ये स्पीड बहुत स्लो है। इनके बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है, जो इन दोनों के बीच की है उसको कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए इनमें तीनों में साइज में बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो तीनों में साइज में बड़ी मेमोरी रैम है, कैश थोड़ी छोटी होती है। और कैश किसको होल्ड करती है? तो याद रखना इसके लिए एक ही वर्ड है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा डेटा को होल्ड करती है, डेटा को होल्ड करती है। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूँ? तो मैं कैश मेमोरी की बात कर रहा हूँ। तो चीज बार बार यूज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डेटा कैसा होता है? तो यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। यहाँ पर डेटा कैसा होता है? दोनों डेटा बाइनरी के रूप में रहता है, लेकिन रजिस्टर की साइज कुछ बिट की होती है। इसकी साइज जो है वो कुछ बिट की साइज होती है, बच्चों क्लियर? कुछ बिट की साइज होती है, ये पॉइंट याद रखो। जैसे 8 बिट का रजिस्टर, बच्चों 16 बिट का रजिस्टर, 32 बिट का रजिस्टर, 64 बिट का रजिस्टर, ये आपने खूब नाम सुना होगा, 32 बिट, 64 बिट। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके के कुछ बिट की साइज होती है। अब बच्चों कुछ बिट की साइज है तो बड़े बड़ी जो फाइल है, बच्चों बड़ा डेटा है वो रजिस्टर होल्ड ही नहीं कर सकता। तो रजिस्टर के सपोर्ट के लिए क्या लगाई गई है? कैश। कैश मेमोरी क्यों लगाई गई है? ताकि स्पीड बढ़ जाए, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा है वो बार बार रैम से नहीं लिया जाए। अगर बार बार यूज आ रहा है तो उसका उसको कैश में रख लिया जाए, और सीपीयू डायरेक्ट कैश से ही ले लेगा। बच्चों याद रखिए, तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कैश क्या करती है? तो कैश बफर का काम करती है। कैश बफर का काम करती है किसके बीच में? रजिस्टर और रैम के बीच में। बच्चों कैश रजिस्टर कैश जो है कैश रजिस्टर रजिस्टर कैश रजिस्टर एवं बच्चों प्राइमरी मेमोरी
प्राइमरी मेमोरी के बीच, प्राइमरी मेमोरी से यहाँ मतलब क्या है, तो यहाँ रैम से मतलब होता है, क्योंकि रोम में तो कुछ डाल ही नहीं सकते। रैम के बीच बफर का काम करती है, बीच बफर का काम करती है, बफर का काम करती है, बफर का काम करती है। बच्चों क्लियर है? मेरे हिसाब से अंत तक समझ में आ गया होगा। बच्चों याद रखिए, एक एक क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आते हैं, समझने की कोशिश करो। रजिस्टर की साइज बहुत कम थी, तो बच्चों ऐसी कोई चीज चाहिए थी जो रजिस्टर से बड़ी है, वो ज्यादा डेटा को होल्ड कर सके, उस मेमोरी का नाम क्या है, तो उस मेमोरी का नाम कैश मेमोरी है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान तक आपके क्लियर होना चाहिए। तो केस किसके बीच में लगेगी? केस रजिस्टर प्राइमरी के बीच में रखेगी, और केस मेमोरी बाइनरी में डेटा को होल्ड करती है। अब बच्चों सीपीयू जो एग्जीक्यूट कराता है वो भी बाइनरी में कराता है, उससे क्या है, उससे स्पीड बढ़ जाती है। क्या ये क्लियर है? अभी तक का जितना भी भाषण दिया, क्या वो क्लियर है आपके कि केस मेमोरी क्यों यूज की जाती है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई तकलीफ है ही नहीं, आप जो पढ़ाते हो बहुत क्लियरिटी से पढ़ाते हो, एक एक चीज हमारी बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमेंट करो फटाफट कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1% भी कंफ्यूजन नहीं है, एक एक चीज समझ में आ रही है। जो भी कंफ्यूजन थे दूसरी कोचिंगों ने जो डाल दिए थे वो भी हमारे क्लियर होता जा रहा है। हाँ जी कमेंट करो फटाफट, मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बहुत कम आते हैं बच्चों, कमेंट बहुत कम आते हैं, इसका मतलब मैं आपसे पूछू ही नहीं कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपसे पूछूंगा भी नहीं मैं। अगर तुम इस तरीके का बिहेवियर करोगे तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं केवल कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबने लिखा है क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू में यह रजिस्टर होता है बच्चों। ये और तीन केस है बच्चों, एक L1 है, एक L2 है। अभी अपन दो केस की चर्चा कर लेते हैं, L1 और L2 बच्चों, क्लियर? एक और होती है L3, तो चलो उसको भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए इस सीपीयू में केवल एक ही कोर है, ये कोर के क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। बच्चों याद रखिए यहाँ प्राइमरी मेमोरी है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है, ये लीजिए यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो डेटा डाले गए थे वो प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी से वो डेटा कहाँ जाएंगे, तो डेटा सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू के पास कहां पहुंचेगा, तो वो डेटा सीयू के पास पहुंचेगा। सीयू के पास कौन से सर्किट है, तो डिकोडर एनकोडर सर्किट है। कौन कौन से सर्किट, डिकोडर एंड एनकोडर सर्किट होते हैं किसके पास, सीयू के पास। अब सीयू बच्चों उसको किसमें चेंज करता है, सीयू के तीन काम है। सीयू बच्चों एक तो कंट्रोल करता है इसको, सर्किट को कंट्रोल करता है बच्चों, सर्किट को कंट्रोल करता है। कौन करता है सर्किट को कंट्रोल, तो बच्चों सीयू करता है बच्चों, अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क, सॉरी सीयू के काम बता रहा हूँ, सर्किट को कंट्रोल करता है। ये काम किसके है, तो ये सीयू के काम है बच्चों, क्लियर? सीयू के काम है, सीयू के काम क्या है, सर्किट को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है बच्चों, डिकोडिंग एनकोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है एंड एनकोडिंग करता है बच्चों, क्लियर? एनकोडिंग करता है, ये किसके काम है, तो ये सीयू के काम है बच्चों, क्लियर? सर्किट मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सर्किट बोल दो चाहे हार्डवेयर बोल दो। तो बच्चों याद रखिए तो सीयू है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। जो सीयू है बच्चों वो रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, डेटा रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है बच्चों, क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, डेटा रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है। अब बच्चों एक बार बताइए, जो भी डेटा आया वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अब या तो उसको रजिस्टर में डालेंगे या L1 या L2 या L3। बच्चों ये मॉडर्न मेमोरी है, पहले के कंप्यूटर में नहीं थी, आजकल लगाई गई है, इसको मॉडर्न मेमोरी भी कहते हैं। मॉडर्न मेमोरी कौन सी है, तो बच्चों केश मेमोरी एक मॉडर्न मेमोरी है, नए युग की मेमोरी है, नए कंप्यूटर में लगाई गई है बच्चों। L1 L2 L3 बच्चों जो भी इसने कन्वर्ट किया वो या तो रजिस्टर में या L1 या L2 या L3 में डालेंगे बच्चों, क्लियर? जितनी सुविधा जहां जगह खाली है पहले इसको चेक, इसमें नहीं है तो इसको चेक, इसमें नहीं है तो इसमें, इसमें नहीं है तो इसमें। बच्चों ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड करेगी, अधिकतर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड करेगी। कौन बच्चों, केस। याद रखना बच्चों आजकल के कंप्यूटर में स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनमें केस मेमोरी लगाई जाती है। ये किसके बीच में काम करती है, ये रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करती है।
अब मान लीजिए एएलयू क्या करता है, तो एएलयू एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग या एक्चुअल गणना कौन करता है, एएलयू एक्चुअल, याद रखिए एक्चुअल गणना कौन करता है, तो एक्चुअल गणना कौन करता है बच्चों, एएलयू करता है, एक्चुअल गणना एएलयू करता है बच्चों, क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और उनको समझते हैं, एएलयू एक्चुअल गणना करता है। अब मान लो सीपीयू को डेटा चाहिए तो सबसे पहले रजिस्टर में देखेगा, रजिस्टर में नहीं मिले तो L1 में देखेगा, इसमें भी नहीं मिले L2 में देखेगा, और इसमें भी नहीं मिले L3 में देखेगा, यहाँ भी नहीं मिले तो रैम में देखेगा, और बच्चों अब नहीं मिले तो बच्चों रैम को बोलेगा कि यहाँ से डेटा लेके आइए, तो बच्चों देखेगा कहां पर, तो सीपीयू यहां तक डेटा को देखता है, और अगर नहीं मिलता है तो रैम को बोलता है कि यहां से आप डेटा को उठाइए, और बच्चों डेटा उठ के यहां आ जाता है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर डेटा L1 में मिल जाए, L2 में मिल जाए, L3 में मिल जाए तो डायरेक्ट ले लेता है। तो बच्चों याद रखिए जब अपन कभी टाइपिंग करते हैं तो पहले जो वर्ड लिखे थे वो यहाँ पर जो बार बार वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको मैसेज करता हूँ सॉरी बच्चों मेरे से गलती हो गई, तो बच्चों सॉरी बच्चों किसी न किसी केस में होगा, तो जैसे मैं लिखता हूँ एस तो बच्चों सॉरी बच्चों मेरे से गलती हो गई, वो वर्ड आ जाता है और मैं उसी को वहीं से यूज कर लेता हूँ, इससे क्या होती है स्पीड बढ़ जाती है। बच्चों याद रखिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड किसमें किया जाता है, इन केस में किया जाता है। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, अगर केस में डेटा मिल जाए उसको केस हिट कहते हैं, और अगर केस में डेटा नहीं मिले तो उसको केस मिस कहते हैं। बच्चों याद रखना केस हिट होने से क्या होता है, तो बच्चों केस हिट होने से स्पीड बढ़ जाती है। ये पॉइंट याद रखना, केस में डेटा मिल जाता है इसको क्या कहते हैं केस हिट, और केस में डेटा नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं केस मिस, और केस हिट होने से स्पीड बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना, यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि केस हिट होने से क्या होता है, तो स्पीड बढ़ जाती है, पर अगर केस मिस हो गई तो डेटा रैम में चेक किया जाएगा और बच्चों स्पीड कम हो जाती है। तो याद रखिए केस बड़ी से बड़ी यूज करो बच्चों, अधिक केस यूज करोगे तो केस हिट होने की संभावना बढ़ जाएगी, और बच्चों जैसे संभावना बढ़ेगी आपकी स्पीड भी क्या होगी बढ़ जाएगी। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, केस कहां लग रही है ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, याद रखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, सीपीयू। तो जो अपना टॉपिक है आज का क्या है बच्चों, सीपीयू। तो सीपीयू में मैंने एक चीज समझाई केस, अब केस के बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक बार बताइए कमेंट करके बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक क्लियर है बच्चों। डोंट फाउंड देन मिस, वेरी गुड, बिल्कुल, अगर नहीं मिला डेटा तो क्या हो गया केस मिस हो गया, क्लियर। केस लेटेंसी टाइम क्या होता है, देखो केस लेटेंसी टाइम का मतलब है केस में किसी डेटा को ढूंढना बच्चों, क्लियर, उसको कहते हैं केस लेटेंसी टाइम, केस लेटेंसी टाइम किसी डेटा को ढूंढना, क्लियर क्लियर है बच्चों। अब अपन L3 की बात कर लेते हैं, तो L3 के कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों। देखिए अपने जो पुराने कंप्यूटर आते हैं, एक तो होता है सीपीयू, एक होता है सीपीयू और एक होता है प्रोसेसर, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सीपीयू पूरा का पूरा, ये सीपीयू है बच्चों, ये पूरा का पूरा सीपीयू है। अब इस सीपीयू के अंदर प्रोसेसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं सीपीयू। जैसे मैं सीपीयू, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं बच्चों, इसका मतलब उसमें दो प्रोसेसर है। बहुत सारे लोग हैं जो दो हाथों से भी लिखते रहते हैं, दोनों पैरों से भी लिखते रहते हैं, तो उसमें चार प्रोसेसर है। तो एक सीपीयू में कितने भी प्रोसेसर हो सकते हैं, प्रोसेसर मतलब कोर बच्चों, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर वन कोर है तो इसको यूनि कोर प्रोसेसर कहते हैं, यूनिकोर प्रोसेसर कहते हैं बच्चों, क्लियर। कोर कितनी भी हो सकती है, इसमें एक कोर है तो ये यूनिकोर प्रोसेसर है बच्चों। याद रखिए अगर इस सीपीयू में दो कोर है इसको ड्यूल कोर प्रोसेसर कहते हैं बच्चों, क्लियर। दो कोर है तो एक कोर ये, इसको ड्यूल कोर प्रोसेसर कहते हैं, इसको ड्यूल कोर प्रोसेसर कहते हैं, यानी गणना करने वाली यूनिट यहाँ पर दो है बच्चों, क्लियर। ड्यूल कोर यानी गणना करने वाली यूनिट यहाँ पर दो है बच्चों, याद रखना। हर अलग अलग कोर का अपना सीयू होगा, अपना सीयू होगा, अपना एएलयू होगा, अपना रजिस्टर होगा। ये पॉइंट याद रखिए बच्चों, क्लियर। अलग अलग कोर का अपना सीयू, अपना एएलयू, अपना रजिस्टर, अलग अलग कोर का अपना सीयू, अपना एएलयू, अपना रजिस्टर बच्चों। अलग अलग कोर की अपनी L1 होगी, अलग अलग कोर की अपनी L2 होगी,
अलग अलग कोर की अपनी L1 होगी, अलग अलग कोर की अपनी L2 होगी, बच्चों क्लियर। लेकिन याद रखिए L3 जो है वो दोनों कोर की सेम ही होगी, L3 को ये दोनों साझा करेंगे, बच्चों क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। तो L3 केस बच्चों CPU के अंदर नहीं होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। किसके ऊपर होती है? मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, ये कहां लगी होती है? मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। ये CPU के बाहर होती है, CPU के अंदर कोर होती है, एक कोर दो कोर, बच्चों ये प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग वाला हिस्सा है, ये प्रोसेसिंग वाला हिस्सा है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। इसमें इंटेल लिखा है वो ये है बच्चों, जो इसमें इंटेल लिखा है वो ये है, तो पंखे के नीचे वो ये है, L3 बार होती है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है और ये बच्चों आपका CPU है, और इसमें ये कोर है, ये कोर है, हर कोर का अपना ALU होता है, रजिस्टर होता है, L1 L2 होता है, L1 L2 होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? ड्यूल कोर प्रोसेसर, 4 क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। आप और हम यूनिकोर प्रोसेसर को यूज करते हैं, लेकिन आजकल जमाना ड्यूल कोर क्वाड कोर इधर भी जा चुका है। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करो बच्चों। याद रखना ऐसी कौन सी केस है जो सेरेबल नहीं है, सेरेबल है बच्चों, वो कौन सी है? L3। तो याद रखिए वो कोर L3 उस केस, वो केस मेमोरी है जो सभी कोर द्वारा सेरेबल है, वो मेमोरी है जो सभी कोर द्वारा सेरेबल है। सभी कोर द्वारा, कोर मतलब प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर है उनके द्वारा सेरेबल है, प्रोसेसर द्वारा सेरेबल है बच्चों, क्लियर, द्वारा सेरेबल है। याद रखिए ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सेरेबल है। और बच्चों याद रखना जो L3 है वो CPU के अंदर नहीं होती, L3 CPU के अंदर नहीं होती। कहां मैं CPU यूज करता हूँ, कहां मैं प्रोसेसर यूज करता हूँ, कहां मैं कोर यूज करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज का एक मतलब होता है, क्लियर है बच्चों। CU ALU रजिस्टर कहां लगे होते हैं, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना ये जो काली काली चिप है ना जिसपे इंटेल लिखा होता है, अब कंप्यूटर तो कभी देखा होगा आपने, तो जो काला काला कंप्यूटर है इंटेल लिखा होता है उस, वो है ये पूरा। और बच्चों ये बाहर है, L3 बाहर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। L1 केस को कोर मेमोरी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते बच्चों, क्लियर। याद रखिए L1 L2 और रजिस्टर ये सारे के सारे कोर के अंदर ही होती है, तो ये सारे के सारे कोर मेमोरी कहलाती है, कोई एक कोर मेमोरी नहीं है, ये सारे की सारी कोर ही है, कोर के अंदर ही लगी होती है बच्चों, क्लियर। L3 CPU, CPU के बाहर मदरबोर्ड पे होती है, बच्चों क्लियर, मदरबोर्ड पर होती है बच्चों क्लियर। याद रखना मैं बहुत क्लियरिटी से पढ़ाता हूँ, तो ये पॉइंट याद रखना, अगर तुम मेरे से नहीं सीख पाए तो इसका मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन भयंकर तरीके से भरा गया। याद रखना बच्चों, मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, क्यों है, क्या है, कैसे है, कैसे बनावट है, किसकी बात चल रही है। तो जो इंटेल लिखा होता है ना इंटेल, उसके अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट है। दो ड्यूल कोर है तो दो कोर होगी, सबके अपने अपने रजिस्टर, L1 L2 होगा, और L3 बच्चों वो जो इंटेल लिखा है उससे बाहर होगा, वो जो इंटेल लिखा है उसको पूरे को मिलाकर CPU कहते हैं, और उसके अंदर दो कोर है बच्चों, क्लियर। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, CU ALU रजिस्टर प्रोसेसर कोर CPU मदरबोर्ड, क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अरे बच्चों कोचिंग नहीं है, वो जो जयपुर जोधपुर वाली है वो कोचिंग नहीं है, वो बिजनेस बन चुके हैं, उनको नहीं पता कैसे क्या है क्या नहीं है। आप समझो और आपके भाइयों को भी थोड़ा सा बताते रहो कि इस तरीके की कोचिंग है जहां पर हर बच्चे की जॉब लगती है, प्रत्येक बच्चे की जॉब लगती है, हमारे सारे दोस्तों की जॉब लग चुकी है, हम दूसरी जगह भटक गए थे, अवेयर करो बच्चों को, अवेयर करो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझो यही एकमात्र कोचिंग है जिसका प्रत्येक बच्चा सेलेक्ट होता है, आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं अंबिका से पढ़ा हुआ हो नौकरी नहीं लगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरे मुंह से निकलता, प्रत्येक क्वेश्चन खुद ही पढ़ाता हूँ, 42 कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारे मेरे मुंह से निकलते हैं और वहीं से क्वेश्चन छपते हैं, क्लियर है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन CPU की बात चल रही थी तो CPU की चर्चा चल रही थी, L3 वो केस मेमोरी है तो सभी कोर द्वारा शेयरेबल है, L3 CPU के बाद मदरबोर्ड पर होती है, यहां तक क्लियर। तो बच्चों केस मेमोरी याद रखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो केस मेमोरी एक बफर मेमोरी है जो बच्चों CPU और RAM के बीच में लगती है,
ताकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को अपने पास रह सके। ये डेटा किसमें होल्ड करती है, ये डेटा बाइनरी के अंदर होल्ड करती है। बच्चों याद रखिए, रजिस्टर की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो रजिस्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या आई बच्चों, केस आई। बच्चों क्लियर, याद रखना सीपीयू के सबसे नजदीक कौन है, रजिस्टर, इसलिए रजिस्टर की स्पीड ज्यादा है, फिर L1 की, फिर L2 की, फिर L3 की, उससे कम स्पीड रैम की, उससे कम स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज की होती है। बच्चों समझ जाइए किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, विचार कीजिए। बच्चों अगर केस में कोई डेटा मिलता है केस हिट कहलाता है, केस हिट होने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, केस में डेटा नहीं मिले तो केस मिस होता है, फिर डेटा रैम में ढूंढा जाता है। बच्चों रैम से जब जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, फिर बाइनरी बनेगा, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, समझने की कोशिश करना। अपन बात किसकी कर रहे थे, केस की, और केस के बारे में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, जो बोला गया है उसको जरूर सुनिएगा, सुन के नोट्स बनाइएगा। कोई पॉइंट अगर मैं नहीं लिख पाता, आपके नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है, नौकरी बहुत नजदीक है, किसी के नोट्स नहीं पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच भी कोई बफर मेमोरी आ रहे हैं, आशुतोष आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है बच्चों, तो पूरा डायग्राम ये है कि सर ये सीपीयू है बच्चों, यहाँ क्या है, ये रजिस्टर है, यहाँ पर क्या है, ये L1 है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये L2 है बच्चों, L3 का है तो L3 यहाँ है, ज्यादा कोर है तो क्या होगा, मैंने समझाई दिया कि कोर मान लो 2 है तो रजिस्टर L1 L2 तो सबके अपने अपने होंगे, CU ALU भी सबके अपने अपने होंगे, लेकिन बच्चों याद रखना L3 शेयरेबल होगा। बच्चों क्लियर। अब बच्चों इनके बीच में प्राइमरी मेमोरी, याद रखिए प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्पीड बढ़ाने के लिए अपन ने किसको यूज किया, केस को। अब बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो याद रखिए सेकेंडरी स्टोरेज अधिकतर हार्ड डिस्क ड्राइव से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सेकेंडरी स्टोरेज अधिकतर किससे बनाते हैं, तो हार्ड डिस्क ड्राइव से बनाते हैं। बच्चों ये हार्ड डिस्क ड्राइव किससे बनती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेट से बनी होती है, मैग्नेट से बनी होती है। और बच्चों याद रखना इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर डिस्क होती है जो घूमती रहती है, और बच्चों इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। अब बच्चों इसकी स्पीड तो कम है, याद रखना इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। 2-3 दिन में टॉपिक आ रहा है, जब अपन सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे उस समय अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब बच्चों होता क्या है, तो सुनने की कोशिश करना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है। बच्चों सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पीड अगर स्पीड की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर, फिर L1, फिर L2, फिर L3, फिर होती है बच्चों रैम, फिर रैम की स्पीड, अगर रैम रोम में से पूछे रोम की स्पीड कम होती है, और फिर होती है बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज। जब सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए कि रजिस्टर L1, L2, L3, रैम रोम और फिर सेकेंडरी स्टोरेज होगी। अब बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव, बिल्कुल सही है, इनके बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है, आजकल के कंप्यूटर में लगाई जाती है। ये भी मॉडर्न अप्रोच है बच्चों, ये पुरानी अप्रोच नहीं है, ये भी मॉडर्न अप्रोच है। बच्चों क्लियर, याद रखिए जो पुरानी अप्रोच है वो तो बिल्कुल क्लियर है, रजिस्टर था, रैम था और सेकेंडरी स्टोरेज था, लेकिन स्पीड बढ़ाने की जो अप्रोच है ये भी मॉडर्न अप्रोच है, ये भी मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। बच्चों क्लियर, नए कंप्यूटर्स में आ रही है, पर बच्चों वो भी मॉडर्न अप्रोच है। अप्रोच पूरा लिख देता हूँ बच्चों, नोट्स खुद के खुद बनाना, दूसरों को नोट्स को पढ़ के बर्बाद मत हो जाना, याद रखना जिन्होंने दूसरों के नोट्स पढ़े वो सब खत्म है। बच्चों यहां पर आइए, मॉडर्न अप्रोच है बफर। अब हुआ क्या बच्चों, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, इस बफर के अंदर डेटा डाल देता है, और बच्चों अपना दूसरा काम करने लग जाता है और प्राइमरी बफर से डेटा उठा लेता है। इससे क्या होता है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर कोई ये पूछे कि ये बफर कौन सी तरीके की मेमोरी है, तो बच्चों आजकल मॉडर्न जो बफर बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, जो बन रहे हैं बच्चों क्लियर, वो किससे बन रहे हैं, वो SSD से बन रहे हैं। बच्चों SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बच्चों क्लियर, याद रखना ये मॉडर्न आपके क्या बन रहे हैं, बफर। बच्चों सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है, ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जो अधिकतर बफर बनाने के काम में आती है। बच्चों एक चीज आप क्लियर कर लो, इसमें मूविंग पार्ट है, स्पीड कम है। बच्चों हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो RPM में नापी जाती है बच्चों, रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, दोनों है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आपके ध्यान रखना। ये हार्ड डिस्क की स्पीड नापी जाती है,
कई बार क्वेश्चन आ जाता है हार्ड डिस्क की स्पीड किसमें नापी जाती है, हार्ड डिस्क की स्पीड याद रखना, हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में नापी जाती है, याद रखना बच्चों कितने आरपीएम, 3600 आरपीएम, मतलब एक मिनट में 3600 बार घूमती है, 5400 बार घूमती है, 10000 बार घूमती है, ये इनकी आरपीएम में स्पीड होती है। तो बच्चों जब ये घूम घूम के काम करेगी तो बच्चों इनकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो फास्ट स्पीड वाला चाहिए तो बच्चों याद रखो एक बफर बनाए जाते हैं जो इनके बीच में लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसएसडी। अब कोई ये कहे कि सर एसएसडी क्या हार्ड डिस्क ही बना देते हैं, अगर बच्चों हार्ड डिस्क 1 TB की है और 1 TB एसएसडी लगाओगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, इसलिए याद रखना सस्ती तो मैं लगाता हूँ हार्ड डिस्क और बच्चों बफर किसका लगा देता हूँ, एसएसडी, क्योंकि पूरी हार्ड डिस्क तो एग्जीक्यूट होने से रही, जिनको एग्जीक्यूट करना यहाँ चले जाएगा और अपना काम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। क्या ये क्लियर है बच्चों? याद रखना बच्चों केस बनाई जाती है एसरैम से, एक बफर केस रैम है, एक बफर तो केस है जो बनाई जाती है एसरैम से, और एक बफर किसके बीच में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। ये जो बफर बनाई जा रही है वो किससे बनाई जा रही है, एसएसडी से, फ्लैश मेमोरी से बनाई जा रही है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसकी जगह अब क्या आ गया, बफर आ गया, क्या आ गया, बफर। बफर का मतलब बच्चों एसएसडी, बच्चों क्लियर। और फिर बच्चों इसके बाद क्या आता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज, उसका मतलब एचडीडी। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, शायद नोट्स बनाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां लिखता हूं आर, फिर इससे कम L1, फिर L2, फिर L3। L3 शेयरेबल है, ये पॉइंट यहां लिख देता हूं ताकि आपको भी कंफ्यूज नहीं हो। L3 शेयरेबल है, फिर बच्चों रैम की स्पीड है, फिर बच्चों रोम की स्पीड है, बच्चों क्लियर। फिर बच्चों किसकी स्पीड है, फिर बच्चों बफर की स्पीड है, बफर की स्पीड है, और फिर बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव का बनता है और बफर एसएसडी का बनता है, और बफर इन दोनों के बीच में लगता है, और केस भी एक बफर है बच्चों, ये पूरी की पूरी केस कहलाती है। क्या कहलाती है, केस। केस भी एक बफर है जो आर और एम के बीच में लगता है। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, किसका, बफर का। बफर में अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए कि बफर में सर हमको ये डाउट है, अगर आपके बफर क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर, तो बफर मेमोरी कौन कौन सी है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सीपीयू का कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की। अब बच्चों यहाँ पर पूरा का पूरा आपके बफर का कंसेप्ट मैंने समझाया, तो बच्चों अगर कोई पूछे कि बफर मेमोरी कौन सी है, बफर मेमोरी कौन सी है, एक बफर रजिस्टर भी होता है, वो रजिस्टर में समझाएंगे। तो बफर मेमोरी कौन कौन सी है, तो बफर मेमोरी बच्चों याद रखना, बफर मेमोरी के अंदर आपकी 2 मेमोरी आ गई, एक कौन सी आ गई केस, और एक कौन सी आ गई बच्चों एसएसडी। ये किसके बीच में लगती है और ये किसके बीच में लगती है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये बच्चों रजिस्टर, और किसके बीच में लगती है, तो ये रजिस्टर और रैम के बीच में लगती है, और बच्चों ये रैम और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में लगती है, ये इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में, ताकि स्पीड बढ़ सके। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, वर्चुअल मेमोरी बफर होती है, गलत है, वर्चुअल मेमोरी एक अलग कंसेप्ट है बच्चों, वो है जो बफर नहीं होती। क्लियर है, समझ जाइए, बफर तो स्पीड बढ़ाने के काम में आती है, बफर अलग है, वर्चुअल मेमोरी अलग है। वर्चुअल मेमोरी जब आएगा कंसेप्ट तब मैं आपको बताऊंगा। क्या नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या बच्चों? एक बार कमेंट करो क्या नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? कितनी बार आ गया? कितनी बार आया आज की क्लास में? एक बार आया, ठीक है। एक दो बार आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इस क्लास के बाद। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपन ने सीपीयू पढ़ा, केस मेमोरी पढ़ी, बच्चों ये क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, वेरी गुड। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। बच्चों सीपीयू पढ़ रहे हैं तो सीपीयू को पूरा निपटाते हैं आज। बच्चों सीपीयू के अंदर अपन बात कर लेते हैं सीयू, तो सीयू बच्चों सीपीयू का वो पार्ट है जो कोडिंग डिकोडिंग का काम करता है। सीयू, सीयू क्या क्या काम है?
तो बच्चों डिकोड करने का काम है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, डिकोड करता है सीयू इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है और फेच करता है। बच्चों क्लियर? ये काम कौन करता है? सीयू ही करता है। एक तो लेता है रैम से और फिर उसको डिकोड करता है। बच्चों दूसरा काम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बच्चों हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है? सीयू। बच्चों क्लियर? याद रखना सीपीयू का वो पार्ट जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब बच्चों एक होता है एएलयू। एएलयू के क्या क्या काम है? तो एएलयू के काम है बच्चों, पहला काम है अर्थमेटिक वर्क परफॉर्म करना। अगर कैलकुलेशन आई तो एएलयू एक्टिव हो जाता है। बच्चों क्लियर? अर्थमेटिक वर्क परफॉर्म करना, अर्थमेटिक वर्क परफॉर्म करना। दूसरा काम क्या है? लॉजिकल वर्क परफॉर्म करना, लॉजिकल वर्क परफॉर्म करना। लॉजिकल, लॉजिकल वर्क में क्या आते हैं? तो लॉजिकल वर्क में दो तरीके के वर्क आते हैं बच्चों, एक तो एंड और नॉट, बच्चों क्लियर, और एक रिलेशनल ऑपरेटर। एक तो लॉजिकल ऑपरेटर, एक तो लॉजिकल जो आए वो, और एक रिलेशनल। रिलेशनल बच्चों क्लियर, रिलेशनल वर्क आता है। रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बच्चों नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है बच्चों? रिलेशनल है। अब बच्चों याद रखना एक क्वेश्चन आया था एएलयू, एएलयू जब रिलेशनल ऑपरेटर जब रिलेशनल वर्क परफॉर्म करता है, रिलेशनल वर्क वर्क परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है, करता है, करता है, तो मैक्सिमम कितने तरीके से आउटपुट दे सकता है? तो मैक्सिमम कितने तरीके से, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने तरीके से आउटपुट दे सकता है, कितने प्रकार से आउटपुट दे सकता है, कितने प्रकार से आउटपुट दे सकता है? बच्चों क्लियर? कितने प्रकार से आउटपुट दे सकता है, आउटपुट दे सकता है। तो याद रखना बच्चों कितने प्रकार से आउटपुट दे सकता है। तो आप सबको पता है कि इनकी जो आंसर है लॉजिकल वर्क की, इनके आंसर किसमें आता है? ट्रू और फॉल्स। बच्चों क्लियर? अर्थमेटिक वर्क का आंसर क्या आता है? अर्थमेटिक वर्क का आंसर आएगा प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ बाकी। तो अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा बच्चों? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बच्चों क्लियर? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, क्लियर, ये सब, और माइनस, ये अर्थमेटिक है। लॉजिकल वर्क ये है, और लॉजिकल जो आंसर होता है, लॉजिकल, लॉजिकल वर्क का जो आंसर होता है, लॉजिकल वर्क का जो आंसर होता है, लॉजिकल वर्क का जो आंसर है, वर्क का जो का रिजल्ट जो है वो क्या होता है? तो बच्चों वो होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? दो तरीके से दे सकता है, पर दो तरीके से, दो तरीके से इसका आंसर होगा। अब दो तरीके कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो क्या होता है ट्रू, और एक क्या होता है फॉल्स। बच्चों क्लियर? ये कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने पढ़ाया था, आपने वीडियो में भी देखे होंगे जो आईए के टाइम और कंप्यूटर टीचर के टाइम पे बने थे। मतलब एएलयू के पास कोई कमांड जब भी जाएगी जब आपको अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क परफॉर्म करना है। क्या ये क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से सीयू और एएलयू समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अपन देखते हैं। बच्चों सीपीयू के बारे में और कुछ चीजें भी है वो समझ लीजिए। बच्चों सीपीयू जो है ना, उसको और क्या क्या कहते हैं? इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग यही है बच्चों, यही कैलकुलेशन करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन करता है। अब कैलकुलेशन करने वाला ही तो ब्रेन होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। पूरे सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लॉक पल्स होती है। बच्चों क्लियर? इसके अंदर क्लॉक पल्स, पल्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। बच्चों सीपीयू के अंदर क्लॉक लगी होती है जो पल्स जनरेट करती है। बच्चों सिग्नल जनरेट करती है, पल्स जनरेट करती है, पल्स जनरेट होता है इसके अंदर, इसलिए जनरेट होता है, पल्स जनरेट होता है इसलिए होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर? लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, सीपीयू ऑप्शन नहीं होता। यदि सीपीयू ऑप्शन नहीं है, यदि सीपीयू, सीपीयू ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, में नहीं है, नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना है? है तो ये दोनों जो काम है वो सीयू के द्वारा होते हैं, तो आंसर, आंसर क्या देना है? आंसर सीयू देना है, सीयू देना है। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों सीयू फ्री के कौन से पार्ट के द्वारा होते हैं, तो आपको आंसर सीयू देना है। और अगर कुछ नहीं पूछे, यही पूछे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आंसर सीपीयू देना है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों सीपीयू के तीनों पार्ट में समझा चुका हूं, कौन कौन से तीन पार्ट? बच्चों सीयू समझा चुका हूं, बच्चों एएलयू समझा चुका हूं, और बच्चों आपको केस समझा चुका हूं। कौन सा पार्ट समझा चुका हूं? केस, केस समझा चुका हूं।
बच्चों क्लियर। अब केवल एक पार्ट बाकी है और उसका नाम है रजिस्टर। अब अपन रजिस्टर की भी बात कर लेते हैं। जॉब की वजह से कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जरूर आइएगा। अगर तुम कोई पुराना नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर कह देता हूँ अगला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने की स्टाइल है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। क्लियर? तो आप सीरियल वाइज पढ़ना, डायरेक्ट 3 नंबर के वीडियो को मत उठाना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन बातें कर लेते हैं किसकी, रजिस्टर। तो अपन सारे रजिस्टर की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। क्लियर? रजिस्टर की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो बच्चों रजिस्टर जो है वो कौन कौन से होते हैं। रजिस्टर की दोनों स्पेलिंग चलती है, ये भी चलती है और ये भी चलती है, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही रजिस्टर है। क्लियर? देखो बच्चों रजिस्टर दो तरीके के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। और एक कौन सा होता है, तो एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। बच्चों यहां तक क्लियर? अब जनरल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से है बच्चों और स्पेशल पर्पज कौन से है, चलो चेक कर लेते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर में बच्चों आपका बीसी रजिस्टर आएगा, डीई रजिस्टर आएगा और एचएल रजिस्टर आएगा। बच्चों क्लियर? याद रखना एक जनरल पर्पज रजिस्टर आपका क्या होता है, एक्युमुलेटर भी होता है बच्चों, लेकिन बहुत सारे लोग उसको स्पेशल पर्पज में भी लेते हैं। क्लियर? तो अपन देखेंगे उसको, लेकिन बीसी डीई और एचएल ये क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है बच्चों। स्पेशल पर्पज में देखो बुक्स में एक्युमुलेटर को दे रखा है, तो एक्युमुलेटर लेना काम तो आपका जनरल पर्पज की तरह ही आता है, लेकिन एक्युमुलेटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है बच्चों। इसके अलावा पीसी बच्चों, एसपी बच्चों, एमडीआर 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 बच्चों, आईआर बच्चों, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर एमडीआर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया बच्चों। क्लियर? और एक होता है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है बच्चों, इंडेक्स रजिस्टर, एक इंडेक्स रजिस्टर होता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। कौन सा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक होता है स्टैक पॉइंटर, तो इनको अपन को समझना है, एक होता है स्टैक पॉइंटर बच्चों। क्लियर? और एक होता है आपका प्रोग्राम काउंटर, ये कौन सा रजिस्टर है, तो ये प्रोग्राम काउंटर है, ये प्रोग्राम काउंटर है। और बच्चों इसका नाम क्या है, तो ये एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर। क्लियर बच्चों? तो एक्यूमुलेटर है, समझ जाइए। ये बी और सी डी ई और एच एल ये किस हिसाब से बताया है, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से बताया, माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से बताया, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इनकी वर्किंग के बारे में अपन देखते हैं। जनरल पर्पज में ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है बच्चों, ये दोनों मिलाकर 16 बिट का है। तो बच्चों याद रखना डी का सी के साथ, डी का ई के साथ, एच का एल के साथ ही पेयर बनेगा। बी 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है बच्चों। क्लियर? अब बी का पेयर, बी का पेयर, बी का पेयर सी के साथ ही बनेगा, बी का पेयर सी के साथ ही, सी के साथ ही बनेगा, साथ ही बनेगा, ये पॉइंट याद रखना बच्चों। सी बी का पेयर सी के साथ ही बनेगा, डी का ई के साथ, एच का एल के साथ ही बनेगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इनकी वर्किंग भी अपन देख लेते हैं, ये वर्किंग किस तरीके से करते हैं बच्चों। ये जनरल वर्किंग करते हैं, ये स्पेशल वर्किंग करते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब हाँ जी यहां तक क्लियर? क्लियर बच्चों? एक बच्चा कह रहा है सर एमएआर भी बता दो, तो एमएआर भी बता देते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसको क्या कहते हैं अपन, एमएआर कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। याद रखना जितने भी एड्रेस होल्ड करते हैं बच्चों, ये एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, बच्चों एड्रेस होल्ड करने वाले जितने भी है, एड्रेस होल्ड करता है बच्चों, जो एड्रेस होल्ड करने वाले हैं वो 16 बिट के होते हैं। लेकिन बच्चों जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करते हैं वो अलग अलग बिट के हो सकते हैं, लेकिन एड्रेस होल्ड करने वाले हमेशा 16 बिट के होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, एड्रेस होल्ड करने वाले, एड्रेस होल्ड करने वाले, एड्रेस होल्ड करने वाले, एड्रेस होल्ड करने वाले, करने वाले, करने वाले रजिस्टर, करने वाले रजिस्टर, जो भी एड्रेस होल्ड करेगा रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? और बच्चों कोई अगर कहे कि ये इंडिविजुअल कितने कितने बिट के हैं, 8 8 बच्चों। क्लियर? और ओरो की अगर बात करें तो स्टैक पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है बच्चों, एड्रेस होल्ड करता है। क्लियर है? तो याद रखिए जो एड्रेस होल्ड करते हैं, एक तो ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, याद रखना ये एड्रेस होल्ड कर रहा है,
बच्चों ये एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, तो ये जितने भी है 16 बिट के होते हैं, लेकिन बच्चों जो बी सी डी ई एच एल है एक्यूमुलेटर बच्चों 8085 में ये 8 बिट का होता है। कितने बिट का? 8 बच्चों, क्लियर? ये सब 8-8 बिट के है जो एबीसीडी से रिप्रेजेंट है। और बच्चों एमडीआर और आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर और बच्चों इंडेक्स रजिस्टर ये बदलते रहते हैं बच्चों, क्लियर? ये तो आगे बढ़ते हैं अपन, मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब इनकी एक एक की वर्किंग देखेंगे अपन, स्पेशल पर्पज रजिस्टर की वर्किंग देखेंगे। इसके अलावा अपन को फ्लैग रजिस्टर भी पढ़ना है, पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, अब बच्चों इनकी एक एक की अपन वर्किंग देखते हैं। तो इधर देखिए, यहां से क्वेश्चन आया था अभी, आईए में भी आया था, कोई पढ़ा के भेजता ही नहीं है बच्चों को, कोई पढ़ा के भेजता ही नहीं है, रटवा के भेज देते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। लेकिन मैंने खूब पढ़ा है, आपके पास डेटा पढ़ा है, देखिए मैच कीजिए कि सबके मुंह से एक एक वर्ड निकला था वो सारे आए बच्चों। यहाँ पर आ जाइए, ये आपका सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर बच्चों अपन रजिस्टर की चर्चा करते हैं। बच्चों को इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन बच्चों, मान लो ये स्टैक है, इस स्टैक में ये डेटा है बच्चों, क्लियर? चलिए अब ये इंस्ट्रक्शन ये समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, याद रखना ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ रहा है, मान लो ये 1000 है, 1000 है यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, मैं सब बना देता हूँ, या पीसी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है बच्चों, एमडीआर की वैल्यू क्या है, डेटा रजिस्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, क्लियर है? तो ये पॉइंट आपके सामने आना चाहिए, क्लियर है? और भी अपन देखेंगे। अब बच्चों देखिए, आपने 1000 से डेटा उठाया और मेमोरी बफर रजिस्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्लियर? और इसी तरीके से इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है, इन सबको अपन देखते हैं एक बार में ही आपको मैं समझा देता हूँ, केवल एक एग्जाम्पल समझना, क्योंकि अपने जब आएंगे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल बेस नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रैक्टिकल से समझना। बच्चों इंस्ट्रक्शन 1000 से आया है, तो बच्चों एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन यहीं पे जाएगा, इसी लोकेशन पे जाएगा, तो बच्चों मेमोरी की कौन सी लोकेशन से करंट इंस्ट्रक्शन आया है, करंट इंस्ट्रक्शन आया है बच्चों, वो यहाँ आएगा 1000। तो बच्चों एमएआर का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी बच्चों एड्रेस रजिस्टर। बच्चों इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बच्चों, क्लियर? तो ये क्या बताता है, ये बताता है प्राइमरी मेमोरी की कौन सी जगह से, कौन सी लोकेशन से, कौन सी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन 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 फेच हुआ है बच्चों, क्लियर? फेच हुआ है बच्चों, समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज बिल्कुल इजी पढ़ाता हूं मैं, याद रखना ये डायरेक्टली इजी लैंग्वेज ही आपकी आती है, फेच हुआ है, फेच का मतलब लिया गया है बच्चों, क्लियर? बच्चों सबसे पहले याद रखना यहां से यहां इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है, ये किसमें आ गया, एम ए आर। अब बच्चों इसके बाद नंबर किसका आएगा बच्चों, क्लियर? जो करंट इंस्ट्रक्शन है ये आ रहा है यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, तो मान लो ये ऐड है, तो ये किसमें जाएगा, ये बच्चों सीपीयू सीयू इसको डिकोड करके, सीयू क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा और इसको इंस्ट्रक्शन में डाल देगा, क्या करना है, ऐड करना बच्चों, क्लियर? अब मान लो यहाँ एडीआई है, तो यहाँ पर एडीआई आ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन करेगा क्या, तो बच्चों इसको डिकोड करके, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके यहाँ डाल देगा, एडीआई नहीं दिखेगा, एडीआई का डिकोड वाला पार्ट दिखेगा कि डिकोड होके यहाँ पर डाल देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, करेगा उसको सीयू सीयू डिकोड करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देगा, करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देगा बच्चों, क्लियर? रजिस्टर में डालेगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, डालेगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर आ गया कि कौन से एड्रेस से आया, वो एड्रेस रजिस्टर में डालेगा, काम क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेगा। अब मान लो ये आपका डेटा है, ये आपका एडीआई है बच्चों, जब ये आएगा तो इसके अंदर एक डेटा 08 में ऐड करना है, 08 में ऐड करना है, तो बच्चों इसके साथ डेटा आ रहा है, ये डेटा डेटा रजिस्टर में जाएगा,
बच्चों ये रहा डेटा रजिस्टर, इसको डिकोड करके डेटा यह डाल देगा। स्ट्रक्चर में जो डेटा मौजूद है वो डेटा रजिस्टर में जाएगा, मतलब इसके लिए फिर डेफिनेशन सीयू डेटा को फेच करके डेटा को फेच करके डेटा रजिस्टर में डाल देगा। डेटा रजिस्टर में डाल देगा कि डेटा ये यूज करना है, डाल देगा। बच्चों क्लियर? अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो एक्युमुलेटर है वो क्या काम आता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक यहां तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों अपन इसी में है, मान लीजिए आपने कभी देखा होगा एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर एक दूसरी बॉडी है, तो बच्चों ये पूरा एक स्टैक है, तो इस स्टैक का एक एड्रेस होता है, मान लो ये 1000। अब अगर अंदर वाले स्टैक में घुस गए तो इसका एड्रेस क्या है बच्चों? 2000। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि बच्चों एक स्टैक ये है और एक स्टैक ये है, अपन यहाँ एग्जीक्यूट होते होते डायरेक्टली नीचे नहीं आते, यहीं से अपन यहाँ घुस जाते हैं, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बदल जाती है। तो बच्चों याद रखना स्टैक अभी इसी के अंदर है, तो स्टैक के अंदर 1000 ही आएगा। और याद रखना स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जब बदलती है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू केवल जब बदलेगी जब जंप होगा या कोई शर्त आ जाए बच्चों जंप आ जाए या कोई नए स्टेट में चले जाए तब बदलेगी। बच्चों क्लियर? जंप या कंडीशनल स्टेटमेंट आए, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जब बदलेगी जब जंप या कंडीशनल स्टेटमेंट आए। बच्चों क्लियर? स्टेटमेंट आए बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो देख याद रखिए स्टैक पॉइंटर हर बार नहीं बदलता बच्चों, इस स्टैक के लिए हमेशा स्टैक पॉइंटर में 1000 ही पड़ा रहेगा। बच्चों प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा? तो प्रोग्राम काउंटर में अभी इसके बाद इस 1000 के बाद कोई जरूरी है क्या इसी का नंबर ले? हो सकता है इसके बाद इसका नंबर ले। तो बच्चों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड होगा। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर, मान लीजिए इसके बाद 1000 के बाद आपको नंबर किसका लेना है? 1005 का लेना है। तो बच्चों 1005 आएगा। और बच्चों अगर सीरियल वाइज ही चलना है आपको तो इसके अंदर 1001 आ जाएगा। बच्चों क्लियर? कितना आ जाएगा? तो 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। बच्चों क्लियर? ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इसी इंस्ट्रक्शन के लिए अगर सीरियल वाइज चलते हो तो 1001 आ जाएगा। बच्चों एक ही स्टैक में चलते हुए मेरे हिसाब से क्लियर, अगर एक ही स्टैक में चल रहे हो आप, एक ही स्टैक में चल रहे हो तो उस स्टैक में आप कितनी दूर चले गए स्टार्टिंग से? तो एक ही स्टैक में चलते हुए शुरू से कितनी दूर आ गए? बच्चों शुरू से कितनी दूर आ गए? ये कौन बताता है? तो ये बताता है बच्चों इंडेक्स रजिस्टर आगे। बच्चों क्लियर? ये इंडेक्स रजिस्टर बताता है। अब बच्चों मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है वो थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ। क्लियर? अगर मैं बोलूं मेमोरी बफर रजिस्टर तो बच्चों होता क्या है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं इसको आगे के पेज पे ले लेता हूँ, समझना, फिर कल के लिए केवल फ्लैग रजिस्टर बचेगा, बाकी सीपीयू का पूरा हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? MDR एंड MBR सेम होते हैं क्या? नहीं। एग्जिट से भी एड्रेस चेंज होगा क्या? एग्जिट बिल्कुल भाई, एग्जिट करोगे तो कहां करोगे, किसी न किसी लोकेशन पे करोगे आप। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन आए कि सर MBR के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो बच्चों जब भी कोई गणना होती है तो सीपीयू गणना करता है। अब सीपीयू गणना करता है तो बच्चों सीपीयू के अंदर कौन है गणना करने वाला? तो ALU होता है। अब बच्चों ALU यहाँ पर एडर है, कौन है बच्चों? एडर है। तो एडर जो डेटा लेता है वो एक डेटा तो एक्युमुलेटर से लेता है, किससे? एक्युमुलेटर। और एक आपके सिंपल कहीं से भी ले लेता है, बी से ले लेता है, सी से ले लेता है। तो बच्चों बी यहाँ डाल देगा और एक्युमुलेटर के अंदर एक वैल्यू होगी, दोनों को एडर जोड़ेगा और उस वैल्यू को एक्युमुलेटर में डाल देगा। बच्चों जैसे मान लो 3+5 और +6 है, तो बच्चों आप बताइए 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है। बच्चों क्लियर? 3 इसके अंदर, 5 इसके अंदर है, दोनों को लिया जोड़ा कितना? 8।
और एक्यूमुलेटर के अंदर अपडेट क्या हो गया 8। अब बच्चों सी के अंदर क्या है 6, तो बच्चों 8 प्लस 6 क्योंकि अब ये इससे लेगा, एक्यूमुलेटर में तो 8 पड़ा है, तो बच्चों एक्यूमुलेटर भी एज ए बफर काम करता है। बच्चों क्लियर, 8 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 14, अब एक्यूमुलेटर में 14 हो जाएगा। बच्चों क्लियर, तो इसका मतलब जो भी एडर लेता है उसका एक डेटा हमेशा किसमें होता है, एक्यूमुलेटर। याद रखना सीपीयू हमेशा एक डेटा एक्यूमुलेटर से लेता है, डेटा एक्यूमुलेटर से लेता है और तथा कैलकुलेशन करके एक्यूमुलेटर में फर्दर यूज के लिए डाल देता है, लेता है तथा कैलकुलेशन करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में फर्दर यूज के लिए डाल देता है। एक्यूमुलेटर में फर्दर यूज के लिए डाल देता है। तो ये चीज तो आपके सामने आ गई कि ठीक है यार, एक डेटा एक्यूमुलेटर में होगा, एक रजिस्टर से होगा, दोनों को ले लेगा, कैलकुलेट करेगा, इसमें डाल देगा, फिर अगले रजिस्टर से लेगा, कैलकुलेट करेगा, इसमें डाल देगा। लेकिन बच्चों ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, मैंने लिखा 3 प्लस 4, बच्चों ये मैंने लिख दिया, बच्चों कितना 3 प्लस 4 अगर मैं ये लिखता हूं 3 प्लस 4 × 5, बच्चों क्लियर, और एक मैंने ये लिख दिया बच्चों प्लस 5 × 6, ये ले लिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेगा वो भी देख लीजिए। बच्चों ये सीपीयू डेटा लेता है, तो मान लो ये एडर ही है, तो एडर या कोई भी सर्किट ले लो आप, ये सर्किट डेटा लेता है। बच्चों क्लियर, सीपीयू लिख देता हूं। बच्चों सबसे पहले 3 आएगा इसके अंदर, सबसे पहले ये 16 होगा, तो बच्चों अपना 4 आएगा इसमें एक्यूमुलेटर, यहां से क्या आ गया 5, बच्चों 4 × 5 हो गया, 4 × 5 हो गया, ये एक्यूमुलेटर है, ये बी सी जो भी जनरल पर्पज रजिस्टर है वो सब है, ए आपका स्पेशल पर्पज, ये ए आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, पर्पज रजिस्टर है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए बच्चों 5 × 4 कितना 20, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों 20, अब ये 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 3 आ गया किसके अंदर, सी के अंदर, 3 आ गया सी के अंदर, बच्चों ये क्या आ गया 3 आ गया किसके अंदर, सी के अंदर, तो बच्चों 23 आ गया, दोनों को जोड़ा, ये लीजिए 23 आ गया 23, और यहां पर 23 हो गया एक्यूमुलेटर। अब बच्चों ये जो वैल्यू है यहां पर एक्यूमुलेटर में 23 बन गई। अब बच्चों एक्यूमुलेटर में इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, बच्चों क्लियर सबको पता है, तो एक इसमें लेंगे और एक रजिस्टर में लेंगे। बच्चों ये डी रजिस्टर है, तो एक इसमें लेंगे और एक इसमें, तो अब इसकी वैल्यू को कहां रखा जाता है, बफर, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको मेमोरी बफर रजिस्टर में डाल दिया जाता है। बच्चों कितना 23, बच्चों क्लियर, अब एक्यूमुलेटर यहां पर खाली हो गया। अब बच्चों क्या होगा, एक्यूमुलेटर क्या करेगा, समझ में आ गया क्या स्थिति होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर, अब एक्यूमुलेटर 5 लेगा और यहां पर 6 होगा, 5 × 6 = 30, एक्यूमुलेटर में कितना आ गया 30, बच्चों क्लियर, अब 30 एक्यूमुलेटर से ले लेगा और यहां से ले लेगा बच्चों, क्योंकि आगे कुछ करना नहीं है, तो 30 + 23 यहां पर 53 एक्यूमुलेटर में डाल देगा। बच्चों क्लियर, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट जिस रजिस्टर में डाला जाता है उसको मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो बफर रजिस्टर का काम एक्यूमुलेटर करता है, लेकिन जरूरत है तो मेमोरी बफर रजिस्टर होता है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर बच्चों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, स्टैक पॉइंटर जिसमें प्रोग्राम पड़ा है उसका पहला एड्रेस होल्ड करता है, और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जब बदलती है, जब जंप हो लूप हो तब बदलती है। मेरे हिसाब से क्लियर, एक्यूमुलेटर बच्चों एक डेटा हमेशा एजुकेशन के टाइम पे एक्यूमुलेटर में पड़ा रहता है, दूसरा डेटा जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज से उठाया जाता है। यदि एक्यूमुलेटर के अंदर दो एक्यूमुलेटर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू लेनी है तो एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी बफर रजिस्टर में होल्ड किया जाता है ताकि फर्दर यूज के लिए उसको काम में ले सके। क्लियर, ये पूरा रजिस्टर का काम है बच्चों, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बी सी डी एच एन ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, ये सारे के सारे क्या है,
तो ये सारे के सारे बच्चों जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। बच्चों आपके कंप्यूटर आईएमए आपके एमडीआर आया था। एमडीआर क्या करता है? तो बच्चों जो डेटा फेच होते हैं, जो डेटा फेच होते हैं उनको होल्ड करता है, या जो इंस्ट्रक्शन फेच होते हैं उनको होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा के लिए डेटा रजिस्टर, लेकिन ऑप्शन में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं था, इसलिए आपको डायरेक्टली क्या लगाना था कि जो डेटा फेच होगा वो कहां जाएगा, तो एमडीआर लगाना होगा। क्लियर? ये कंप्यूटर सॉरी आईएमए आया था और कंप्यूटर टीचर में भी एक क्वेश्चन आता है। अब कल बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे कहां से, फ्लैग रजिस्टर से अपन स्टार्ट करेंगे, और फ्लैग के बाद अपन बच्चों आपका सीपी हो जाएगा, रैम रोम हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे हार्ड डिस्क के ऊपर। क्लियर? उसकी चर्चा करेंगे। एक घंटे में ही बहुत हो जाता है बच्चों, 10 घंटे का काम हो जाता है। क्लियर? इतनी लगेगी, बाकी करा रखा है बच्चों। सिस्टम असिस्टेंट का ही कोर्स हो रहा है, तो सिस्टम असिस्टेंट पूरा करवा रखा है, कंप्यूटर टीचर पहले करवा रखा है। आप तो पढ़ना स्टार्ट करो, क्लियरिटी में लाने का काम कर रहा हूं, आपके जितने क्लियरिटी ला सकता हूं वो इस क्लास में ले आएंगे, और 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे एक एक घंटे के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा कोर्स है ही नहीं आपके। क्लियर है बच्चों? लगभग 7-8 दिन में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म हो जाएगा, 10 दिन लगा लो, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर आपकी नेटवर्किंग और ये है, तो मैंने 2 बार करा रखा है, वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? धन्यवाद। सारे कोर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स वाइज अरेंज है, रिकॉर्डेड भी कोर्स वाइज अरेंज है। कंप्यूटर टीचर जिसने लिया है उसका कंप्यूटर टीचर का कोर्स मिला, जिसने सिस्टम असिस्टेंट लिया है उसका सिस्टम असिस्टेंट के हिसाब से कोर्स वाइज अरेंज है, जिसने यूपी लिया है यूपी के हिसाब से अरेंज है। बच्चों प्रोग्रामर की क्लास 2 बजे चल रही है, जिसमें डीबीएमएस चल रहा है। क्लियर? सारा कोर्स पहले से बना हुआ है, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए नौकरी लगने की। 10-10 घंटे पढ़ो, 11-11 घंटे पढ़ो, मेरे को एक बार कोर्स कराना है लाइव में, जो आपको 2 महीने में फ्री कर देंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, फिर क्या होगा, ये कोर्स रह जाएगा, पुराने करा रखे हट जाएंगे, बस यही तो होगा, इसलिए उनको एक बार पढ़ लीजिए। कोई पॉइंट रह जाए तो बता दीजिएगा, बाकी मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉइंट छोड़ा है। 50% हर बार एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, कंटेंट बढ़ा देता हूँ, इसलिए उनको पढ़ के आइए और इनको भी अप्लाई कीजिए। धन्यवाद। और आपके लोगों को जरूर बताना, आपके दोस्तों को जरूर बताना, अंबिका क्लासेज का थोड़ा सा प्रचार किया करो, क्योंकि यहाँ ना कोई प्रचार के लिए बंदे हैं ना कुछ और है, यहाँ पर मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही प्रचार करता हूँ, मैं ही सारा काम करता हूँ, तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बच्चों मान के चलो, लाखों बच्चों को नौकरी लगा चुका हूँ, हजारों बच्चे मेरे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत शानदार कोचिंग है, आप भी उस लायक बनिएगा। धन्यवाद।